就地放发现行为。हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बात करेंगे टाउन हॉल 8 के बारे में। तो यहाँ पर आपको मैं प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, आशु जिसका नाम है, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और ये टाउन हॉल 8 पर अभी लेजेंड लीग में है। तो गाइस, वैसे मेरी इससे बात हुई तो मैंने इससे पूछा कि तो अभी मतलब क्या करेगा, अभी मतलब न्यू लीग सिस्टम आया है तो पुशिंग कैसे करेगा। तो मतलब अभी तो मैंने उसको पूछ बोला तो वो भी बोलता है कि मतलब नहीं हो पाएगा पुशिंग ऑब्वियसली, क्योंकि अभी आपको पता ही कि 9 और 8 से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे को लगता है 10 से भी 10 भी कुछ कर नहीं पाएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा कुछ कर सकता है। तो वैसे अभी गाइस टाउन हॉल 8 की अगर बात करें तो अभी मतलब जैसे अपन साइनअप करेंगे, साइनअप करने के बाद सीधा आपको पता है कि 8 अटैक्स होंगे और अपन कर सकते हैं और 8 डिफेंसेस। तो टाउन हॉल 8 तो टाउन हॉल 12 पर तो अटैक मतलब मुश्किल से मतलब अगर 8 बेसिस में से आपको बताना चाहूँगा तो 3 से 4 बेसिस पर तो अटैक शायद से कर ही लेगा अगर टाउन हॉल स्नाइप हो तो, वरना तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो अभी टाउन हॉल 8 की पुशिंग तो एकदम उसको तो एकदम ताला लग चुका है, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन वैसे मैंने इसके अटैक के रिप्लेस मैंने यहाँ से इसको पूछे हैं तो ये इसने शेयर किए हैं, तो मैं आपको अटैक्स वगैरह दिखाऊंगा अभी के जो इसने किए हैं। तो ये रहा यहाँ पे गाइस पहला अटैक, अपन चेक करते +7 ट्रॉफीज़ का है। तो वैसे यार अभी मतलब टाउन हॉल 8 से बहुत अच्छा लगता था यार पुशिंग करने के लिए, मैंने भी खुद ने की है। जो स्नाइप बेसिस मिलते थे उसको ब्रेक करना और टाउन हॉल को मतलब सिर्फ ये करना, और ट्रॉफी मिलती थी 1 स्टार पर ही, अच्छी ट्रॉफी मिलती थी 10, 11, 12 अगर ऑफर अच्छी होती थी तो ज़्यादा भी मिलता है। तो लेकिन अभी तो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि अभी जो न्यू लीग सिस्टम है उसने पूरा वाट लगा दिया है। टाउन हॉल 9 की अब टाउन हॉल 9 का भी ट्रॉफी पुशिंग बंद हो चुका है और 8 का भी, मतलब जो करना है वो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ लेजेंड लीग तक, उसके आगे नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला अटैक तो गाइस बहुत मतलब टाउन हॉल तो एकदम साइड में था लेकिन अच्छा था ये अटैक +7 ट्रॉफीज़ का। अभी अपन नेक्स्ट अटैक भी चेक करते हैं। तो ये वाला अटैक है गाइस +6 ट्रॉफीज़ के लिए, तो ये भी अपन देखते हैं। तो ये वाला बेस देख लो यार गाइस, बहुत हार्ड बेस है। अभी तो ज़्यादातर ना ऐसे ही बेसेस मिलते हैं जब भी हम लोग मतलब न्यू लेजेंडली का सिस्टम के बाद जैसे अपन करेंगे फाइंड अ मैच, फटाक से बेस आएगा और कोई ऐसा ही बेस आएगा जो एंटी 3 स्टार हो, जिस पर मतलब टाउन हॉल 12 अगर अटैक करे तो उस पर 3 स्टार ना हो, ऐसे काइंड ऑफ बेसेस वो लोग बना रहे हैं। तो लेकिन अगर टाउन हॉल स्नाइप रहेगा तो उसको अटैक कर सकते हैं टाउन हॉल 8 से 1 स्टार और 9 से 2 स्टार कर सकते हैं। तो लेकिन डिफेंसेस पर तो -40 जाना ही है, तो ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो ये अटैक यहाँ पर देखते गाइस, 2 पैक का यूज़ किया है यहाँ पर इसने और इन्फर्नो टावर गीगा टेस्ला यार सही में बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, सही बता रहा हूँ। मैं मतलब पुशिंग कर रहा था अभी 8 से तो हो ही नहीं रही थी यार, मतलब मेरे अटैक्स बहुत सारे फेल्स हो जा रहे थे। तो अपन +7, 6 और 8 वाला भी चेक करते हैं अटैक जो +16 ट्रॉफीज़ के लिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर गाइस बेसिस जो है ना वो स्नाइप बेसिस है, मतलब स्नाइप टाउन हॉल स्नाइप है, क्योंकि अभी मतलब कुछ कर तो नहीं पाएंगे टाउन हॉल 8 तो और कुछ कर तो नहीं सकता है। तो यही है कि उसके पास चांस होता है जो अपनी आर्मी डिप्लॉय करके बस टाउन हॉल को उड़ा सके, लेकिन वो भी इतना इजी नहीं होता जो इसने किया। ये देखो गाइस अभी जो आपने देखा वॉल ब्रेकर्स कैसे गायब हो गए जायंट बॉम्ब की वजह से, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं टेस्ला टावर एंड ऑल। तो अभी ये वाला अटैक देखते कि इसने कैसे किया यार, मैं होता तो शायद से फेल कर देता, क्योंकि ये देखो फनेलिंग इसने बहुत अच्छी क्रिएट की है 6 वॉल्केरी से और सीसी ट्रूप्स बचे हुए हैं। और ये देखो यार वॉल्केरीज का कुछ भरोसा नहीं होता है, वो जब मन चाहे वहाँ चली जाती है। और जो टोर्नाडो ट्रैप है यार वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, आपको पता ही होगा, क्योंकि वो ट्रूप्स के पास मतलब जैसे उसके पास आते हैं ट्रूप्स, जितने भी आते हैं बंच ऑफ ट्रूप्स तो सीधा अटक जाते हैं और वहीं पर गोल गोल घूमने लगते हैं, लेकिन फिर तब तक मार देता है गीगा टेस्ला टेस्ला टावर वगैरह एंड ऑल सब कुछ। ये वाला भी अटैक देखते गाइस, ये तो बहुत ज़्यादा ही स्नाइप है, मतलब बहुत ही भार है, लेकिन ये देखो इसके ट्रैप्स देखो, यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स रहेंगे और भी, न सिर्फ टॉर्नेडो ट्रैप पहले ही टारगेट कर दिया और उसका मतलब वो अब नहीं कुछ कर पाएगा। और अभी देखते ये देखो स्केलीस को उसने पहले साइड में ले लिया ताकि ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे अटैक्स में, और ये देखो सीसी में से भी बॉलर्स आए थे और बॉलर्स तो कुछ अभी देखते उसको, पहले बॉलर्स को इसको मारना पड़ेगा फिर उसके बाद शायद से मेरे को लगता है कि ट्रूप्स डिप्लॉय करेगा। तो देखते बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इसमें, अच्छा यहाँ पर स्केलीस को पहले मार रहा था और देखो सीसी पूरी साइड में ले ली इसने ताकि कुछ कर ही ना पाए, मतलब ट्रूप्स उस सीसी को कुछ कर ही ना पाए सीसी ट्रूप्स को। तो ये देखो यहाँ पर कर दिया ब्रेक यार, बहुत अच्छी टेक्निक लगाई है गाइस यहाँ पर अटैक पर।
तो प्लस सिक्स ट्रॉफीज़ तो मेरे को गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कौन कौन टाउन हॉल 8 पर पुशिंग कर रहा था और किसे अभी भी पुशिंग करनी है। अगर आपको कुछ लगता है कि अभी भी कुछ हो सकता है तो क्या हो सकता है मेरे को आप बताना। तो ये और अटैक अपन चेक करते हैं। ये देखो प्लस सिक्स ट्रॉफीज़ के लिए यहाँ पर ये अटैक है, शायद से यही मैंने दिखाया आपको। नहीं, ये अलग अटैक है। तो ये टाउन हॉल 11 पर अटैक है गाइस, तो ये वाला देखते हैं अपन, चेक करते हैं। तो 11 पर अगर देखा जाए तो 12 से तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। इजी पड़ेगा मतलब जैसे बेस होगा वैसे डिपेंड करेगा उस पर। तो ये वाला भी एक टाउन हॉल स्नाइप है, तो इस पर भी देखते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पर एक्सबो है, अच्छी बात तो ये है कि इस पर गीगा टेस्ला नहीं है क्योंकि टाउन हॉल 11 है इस वजह से। तो लेकिन यार ट्रूप्स का कुछ भरोसा नहीं होता है। अगर ग्राउंड ट्रूप्स हम यूज़ करते तो उनका मन जब चले वहाँ, जहाँ पर बिल्डिंग मिले वहाँ पर वो चले जाती है, जो भी ट्रूप्स हो, जैसे वॉल्केरीज, विजार्ड्स, पेक्का। और अभी देखते हैं और भी अटैक है पर, प्लस 8 ट्रॉफीज़ के लिए यहाँ पर लास्ट अटैक है तो वो भी अपन देखते हैं। और बीच में इसने डिफेंस शेयर किया है, ये भी देख लो यार, डिफेंस -35 -44। तो ये दोनों अपन चेक करते हैं कि किसने अटैक किया इसके बेस पर। तो ये देखो यार, ये तो मतलब इंडिया का फ्लैग इसने रखा था होम बेस पर। और ये देखो आर्मी देखो यार, कोई मतलब ऐसा भी नहीं करता कि यार थोड़ा मतलब लो टाउन वाले तो एटलीस्ट ट्रॉफी वॉफी दे दे, ये भी कोई कर नहीं रहा है क्योंकि सबको ट्रॉफीज इंपॉर्टेंट है। तो ये था अटैक, इसका माइनस कितना बहुत ज़्यादा था, -35। और 44 का भी चेक करते हैं किसने अटैक किया इस पर। ये मतलब शो बेसिस ही लगाए तो मतलब डिफेंड तो नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस की बात है। तो ये भी मैक्स यार, इसका ट्रूप्स देखो ये भी मैक्स आउट है। सो मत सब मतलब इतने हाई ट्रॉफीज़ लेके जा रहे हैं ना, कुछ कर नहीं सकते हैं। और ये लास्ट अटैक अपन चेक करते हैं प्लस 8 ट्रॉफीज़ के लिए, उसके बाद एक और अटैक है वो भी अपन देखेंगे। तो ये वाला बेस देखो यार गाइस, बहुत हार्ड बेस है यार, सीरियसली ऐसे बेसिस पर नहीं होता अटैक। अगर मैं अगर करूँ तो मेरा तो नहीं हो पाएगा, मेरे को तो प्रैक्टिस करनी होगी ऐसे बेस पर अटैक करने के लिए। क्योंकि यार फनेलिंग जब भी मतलब ऐसी करनी होती ना, मैं थोड़ा फनेलिंग में थोड़ा वीक हूँ, नहीं कर पाता इतने अच्छे से, और ट्रैप्स से भी। तो ये देखते हैं यहाँ पे दोनों साइड से तो क्लियर तो हो चुका है यहाँ पे अटैक, मतलब ऑलमोस्ट जो डिफेंस है इसका। और अभी मिडल में सब डाल देगा अभी ट्रूप्स सारे। पेक्का है, किंग है और वॉल्केरीज बचे हैं। सीसी में भी मैक्स पेक्का है शायद से, क्योंकि मैक्स पेक्का ही इसने ऑलमोस्ट यूज़ किया सारे अटैक्स में भी। ये देखो यहाँ पे डाल दिए ट्रूप्स, तो देखते हैं। चलो यार इस पर टॉर्नेडो ट्रैप तो शायद से नहीं था, इस वजह से कोई ट्रूप्स अटके ही नहीं बीच में। और हो चुका है वाला भी अटैक, और लास्ट अटैक है 5 ट्रॉफीज़ के लिए, अपन वो भी देखते हैं। ठीक है, ये देखो लास्ट में अटैक है 8%। तो ये बहुत ज़्यादा ही स्नाई पे लगता है बहुत। अरे नहीं, सॉरी, ये ब्लैक होल है, आपको पता होगा कि मतलब टाउन हॉल के पास अगर कहीं पे जगह होती है तो उसको मैं ब्लैक होल बोलता हूँ, ताकि मतलब अर्थक्वेक स्पेल वगैरह डाल के वहाँ पर रेज हील डालकर सारे ट्रूप्स एक ही बार में डिप्लॉय करने पड़ते हैं, ताकि इसको थोड़ा अपन अच्छे से देखते हैं ये वाला अटैक पर। सीसी शायद इसने लूर किया है, शायद से कुछ नहीं है सीसी में। तो ये देखो पहले आया गोलेम, फिर आया रेज, फिर हील दोनों, और ये सारे ट्रूप्स। यार वैसे ऐसे बेसिस पर अटैक करना कभी कभी हार्ड हो जाता है। अगर हीरोज़ होते हैं अगल बगल में तो उनके पास ट्रूप्स चले जाते हैं, और टाउन हॉल तो साइड में ही रहता है क्योंकि वॉल्स भी होते हैं बीच में। तो देखते हैं यहाँ पर, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर अटैक में, लेकिन डिफेंसेस तो थोड़े थोड़े टूट रहे हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर। तो ये रिस्की अटैक था यार, बहुत ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि मेरे को यहाँ पर इसके ज़्यादा ट्रूप्स दिख ही नहीं रहे, सिर्फ पेक्का दिखा था, उसने टाउन हॉल तोड़ा है। तो ये था वीडियो गाइस टाउन हॉल 8 के अटैक के रिप्लेस। अगर आपको अच्छे लगते हैं इसके अटैक्स तो प्लीज़ आप एक लाइक कर देना यार, लाइक कोई करता नहीं यार वीडियो पर ज़्यादा, मैंने तर देखा है। तो प्लीज़ अच्छी लगती है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार आ रहे हो चैनल पर। तो देखते जल्दी से हमें 60,000 तो करवाना है एटलीस्ट ये मंथ एंड होने से पहले। तो और बेल आइकन वो भी प्रेस कर देना, मैं और भी अच्छे वीडियोज़ लाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो, और बाय गाइस।